please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुड़गांव नगर निगम के कर्मचारियों ने नकली हस्ताक्षर कर किया घोटाला। गुड़गांव टैक्स घोटाले की जांच कर रही पुलिस को पता चला है कि इस घोटाले के पीछे कोई और नहीं बल्कि गुड़गांव नगर निगम के ही कुछ कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों ने नगर निगम के बड़े अफसरों के जाली हस्ताक्षर करके निगम को 5 करोड़ का नुकसान कर दिया। रोज वैली पर सेबी ने लगाया 26 करोड़ का जुर्माना। रोज वैली रियल एस्टेट पर सेबी ने अवैध तरीके से पैसा जमा करने के लिए 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। रोज वैली रियल एस्टेट के निर्देशक को यह जुर्माना भरना होगा। ग्रेटर नोएडा में मिला 1041 घरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गौरसेन पार्क व्यू परियोजना के 1000 फ्लैटों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक वे खरीदारों के लिए घरों को सौंपने में तेजी लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आधार कार्ड है एक बड़ा हथियार। नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए कहा, आधार कार्ड का यूनिक पहचान नंबर बेनामी संपत्ति के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत बड़े हथियार का काम करेगा और देश में जितना भी काला धन जमीन के रूप में लगा रखा है सब बाहर आएगा। सुपरटेक के चेयरमैन जाएंगे जेल। गाजियाबाद के लोकल कोर्ट ने सुपरटेक के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर को गैर जमानती वारंट धारा 406 और 420 के तहत जारी कर दिया है। चारों को वारंट एक महिला व्यापारी को धोखा देने के लिए जारी किया गया है।